हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैग्रांज थ्योरम्स के ऊपर, जो कि एक ग्रुप थ्योरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हिसाब से भी काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या कहती है लैग्रांज थ्योरम? लैग्रांज थ्योरम जो है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग क्या है। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है लैग्रांज थ्योरम का। कभी कभी कई सारे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैग्रांज थ्योरम में स्टेटमेंट के साथ साथ पूछ देते हैं, और जैसे उसमें लिखा होता है प्रूव एंड स्टेट द लैग्रांज थ्योरम, तो हमको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। अदरवाइज कहीं कहीं तो हमको सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं और उसको प्रूफ करने के भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के हमको इनके स्टेटमेंट और इनके प्रूफ पर ध्यान देना होगा और दोनों को समझना होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ लैग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, इफ जी इज अ फाइनाइट, जी इज अ फाइनाइट, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, यानी कि जी कोई है हमारा फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, एंड एच H इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि H जो है ग्रुप G का सब ग्रुप है। देन ऑर्डर ऑफ H, यानी कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा, यानी कि डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, या इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी। तो स्टूडेंट ये एक स्टेटमेंट है। कभी कभी इसके स्टेटमेंट को दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, या लिखा हुआ कई बार हमको मिलता है, वो कुछ इस प्रकार है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, इसको दूसरे तरीके से कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, सब ग्रुप का प्रत्येक ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजर ऑफ, अ डिवीजर सॉरी आई नहीं होगा अ डिवीजर ऑफ, अ डिवीजर ऑफ, अ डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये दो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से भी कभी कभी हमको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, और कुछ उस तरीके से भी मिल सकता है, तो उसमें घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही है। तो पहले स्टेटमेंट पे हम फिर से ध्यान देंगे कि इन्होंने क्या कहा है, कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। दूसरा स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो दोनों का स्टेटमेंट कहने का मतलब एक ही है, और दोनों को हम पहले इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इफ जी इज फाइनाइट, जी हमारे पास अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, अगर उस ग्रुप का सब ग्रुप कैपिटल एच है, जो कि उस ग्रुप जी का ही एक सब ग्रुप है, तो ग्रुप जी का जो सब ग्रुप ऑर्डर है, वो अगर उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, यानी कि जो ग्रुप जी का सब ग्रुप एच है और वो सब ग्रुप एच का जितने ऑर्डर होंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच, यानी कि उस ग्रुप जी के सब ग्रुप एच का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के डिवाइड करेगा। मतलब कि कोई ग्रुप फाइनाइट है जो कि जी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एच उस सब ग्रुप का फाइनाइट सब ग्रुप का फाइनाइट ग्रुप का एक सब ग्रुप है, तो जो एच का ऑर्डर होगा, एच का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा ग्रुप जी के ऑर्डर को। लो, ये एक स्टेटमेंट का मतलब हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट भी यही सेम है, इसका भी मतलब है, बस थोड़ी जो है लैंग्वेज में अंतर इन्होंने कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, यानी कि अगर भी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और वो उस फाइनाइट ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे उन सबके सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। बात तो एक ही है ना, बस खाली घुमाया गया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकता है या दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। प्रूफ क्या है कि इन्होंने जिस तरह से कहा है, पहले मैं उसको लेट कर लेता हूँ कि इन्होंने बोला कि जी को एक फाइनाइट ग्रुप है, चलिए ठीक है, जी इज अ लेट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ठीक है, एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी विच इज फाइनाइट, यहाँ जी जो है फाइनाइट ग्रुप है, विच इज फाइनाइट ग्रुप, ये हम जानते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है। अब इसके जो मान लीजिए इन्होंने बोला है कि जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, अब जो जी का ऑर्डर होगा उसको मैंने मान लिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी जो है उसको मैंने क्या माना, क्यू, यानी कि हमने कहा क्यू जो है वो इस ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच जो है यानी कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको मैंने पी मान लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जो इसमें कोसेट के ऊपर बात आने वाली है, तो कोसेट क्या होते हैं और उसको अगर बारीकी समझना है तभी आप इसको समझ पाएंगे, तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो सुन सकते हैं, कोसेट और डिकम्पोजिशन के ऊपर मैंने काफी कुछ बताया हुआ है, तो उससे आप वहां जाकर वहां वहां से आप समझ सकते हैं उसको। अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ कोसेट, अब लैग्रांजे थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको कोसेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो कोसेट क्या है, तो ए इज द एलिमेंट, मान लिया उस ए को ही है, यानी कि हमने ऑर्डर मान लिए क्यू, मान लिया ग्रुप जी का ऑर्डर है, और पी एच मान लिया ग्रुप पी, पी का जो है पी ऑर्डर है उसमें, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, ए हमने मान लिया कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का जो कि फाइनाइट है हम जानते हैं, तो ए जो होगा, अब हम इसमें लेफ्ट कोशेट से ही फाइंड करेंगे, ए एच इज ए लेफ्ट कोशेट ऑफ एच, यानी कि जब ए इंटू एच करेंगे, अब हम लेफ्ट कोशेट फाइंड कर रहे हैं तो हम सब ग्रुप के से ही मल्टीप्लाई करेंगे उस ग्रुप जी के एक एलिमेंट से, ए एच जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोशेट ऑफ एच इन अ ग्रुप जी, ठीक है, जो ये जो हमारा हो गया लेफ्ट कोशेट हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट कोशेट हो गया किसका हो गया, ग्रुप जी का, ठीक है, आप ग्रुप जी, ठीक है, और ये जो है ए एच ये क्या है, लेफ्ट कोशेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसमें जितने लेफ्ट कोशेट होंगे उस ग्रुप जी के जितने भी लेफ्ट कोशेट होंगे, ठीक है, वो अलग अलग होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो जितने भी लेफ्ट कोशेट बनेंगे या राइट, यहाँ पे हम लेफ्ट कोशेट से ही लेकर बात करेंगे तो राइट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, राइट से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कुछ डजेंट मैटर, हैव फिलहाल एक मैं लेफ्ट से ही लेके चलूंगा, हैव जितने भी लेफ्ट कोशेट होंगे उसके कोशेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट होंगे वो होंगे तो अलग अलग, लेफ्ट कोशेट जितने हम बनाएंगे वो हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो हमारे लेफ्ट कोशेट भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ए एच हम क्या कह सकते हैं, ए एच बराबर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ए एच वन, ए एच टू एंड ए एच थ्री एंड डॉट 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 ए एच पी, यानी कि पी ऑर्डर तक है भाई, हमने पी ऑर्डर माना है ना उस सब ग्रुप एच का, तो उस सब ग्रुप एच के जितने भी लेफ्ट कोशेट बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, और ये हमारे क्या होगा, डिस्जॉइंट एलिमेंट भी होगा। अब बात करेंगे इसको, आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि ए एच आई इक्वल टू ए एच जे अलग अलग हैं इसलिए आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ जी ऑफ एच इन जी विल हैव पी डिस्टिंक्ट या डिसजॉइंट, मतलब क्या है हमारा कहने का कि ए एच के जितने भी लेफ्ट कोसेट या एच के सॉरी जितने भी लेफ्ट कोसेट होंगे उसमें पी पी जो कि हमने ऑर्डर माना था, पी किसका ऑर्डर माना था हमने, पी ऑर्डर ऑफ एच का माना था, जितने भी वो होंगे वो पी अलग अलग, ये देखिए पी अलग अलग लेफ्ट कोशेट बनेंगे,
पी अलग अलग लेफ्ट कोशिट बनेंगे जो कि अलग अलग होंगे। ठीक है, अब जी तो हमारा फाइनाइट है, इसलिए ग्रुप जी के जितने भी लेफ्ट कोशिट डिकम्पोज होंगे, यानी कि जितने भी जी हमारा फाइनाइट है, अब हम इसके लेफ्ट कोशिट को अगर ए यूनियन के साथ लिख दें तो वो ग्रुप जी के आर्डर के बराबर नहीं हो जाएंगे, वो ग्रुप जी के आर्डर के बराबर हो जाएंगे। जैसे कि ए एच वन लिख दिया यूनियन, ए एच टू लिख दिया यूनियन, ए एच थ्री लिख दिया यूनियन, क्योंकि ग्रुप जी खुद में एक बड़ा है, क्योंकि वो सब ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप एच जी से ही तो आया है। तो वो अगर मैं फिर से उसको रिवर्स में कहूँ तो ग्रुप जी में जो होंगे वो सब लेफ्ट कोशिट जितने होंगे वो सब एच के ही तो होंगे सब ग्रुप के। तो हमको ने इसको एक साथ कंबाइन करके वे लिख सकते हैं ए एच वन यू यूनियन, ए एच टू यूनियन, ए एच थ्री यूनियन डॉट 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 ए यूनियन, आप यहाँ भी लगा सकते हैं ए, और के एच लिख सकते हैं आप यहाँ ए के एच, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है तो के यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट मान लीजिए, तो ये के हो गया। यानी कि इसमें कोई भी ऐसे कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, कॉमन हो जाएंगे तो हमारा लेफ्ट कोशिट ही नहीं होगा पहली बात, और इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि ए आई एच इंटरसेक्शन ए जे एच, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू आई इक्वल टू आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब अगर मैं उनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो हमको क्या मिलेगा, फाइव, बिल्कुल होना भी चाहिए, नहीं होता है तो फिर लेफ्ट कोशिट आप डिस्जॉइंट नहीं फाइल कर सकते हैं, नहीं पा सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा उस तरीके से। अब हम अगर ऑर्डर ऑफ जी निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, इनके ऑर्डर के बराबर होगा। कहने का मतलब सब ग्रुप का जितना ऑर्डर होगा, सब ग्रुप का जितने ऑर्डर होंगे वो इस ग्रुप जी के ऑर्डर से हमेशा छोटे रहेंगे, ये ध्यान रखना। ग्रुप जी में कितने ऑर्डर थे, क्यू, और सब ग्रुप में पी, तो पी इज लेस देन क्यू, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पी जो है एक सब ग्रुप के ही ऑर्डर है, ना कि ग्रुप जी के, इसलिए पी हमेशा छोटा रहेगा। तो पी जो है तो इसके ऑर्डर के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, इन सबका जोड़ ही तो होगा इस ग्रुप जी में, जितने भी लेफ्ट कोशिट होंगे, यानी कि इसका भी जो ऑर्डर होगा प्लस ऑर्डर ऑफ ए एच टू का जो ऑर्डर होगा, ए टू एच का, आप दूसरा लेफ्ट कोशिट ही है यहाँ पर है, तो ए टू एच का जो जितने भी ऑर्डर होंगे उनका योग, और ऐसे ही ए थ्री एच का हम जोड़ सकते हैं, और डॉट 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 प्लस प्लस ऑर्डर ऑफ ए के एच, ये लेफ्ट कोशिट को मैंने जोड़ा। कितने सारे लेफ्ट कोशिट होंगे, वो सब ग्रुप में ही तो आएंगे, और सब ग्रुप किसका है, ऑर्डर ऑफ जी का ही तो ग्रुप सब ग्रुप ने माना था, तो हमने इसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। और इसका एक मान लीजिए लेफ्ट कोशिट आया है, इसका ऑर्डर हमने मान लिया, क्या मान लिया इसका ऑर्डर हमने मान लिया, इसका ऑर्डर मान लिया हमने पी, माना ही था पी मान लेते हैं, और इसका भी सब ग्रुप का ऑर्डर पी है, इसका भी पी है, ऐसे ही डॉट 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 हम मानेंगे पी, पी के टाइम तक, के टाइम तक ही तो होगा, क्योंकि जितने भी लेफ्ट क्वेश्चन बनेंगे उन सब का हम योग कर लेंगे, यहाँ पे हम इन जनरल लिख रहे हैं इसलिए के टाइम तक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये इसका हमने ऑर्डर ऑफ, और ग्रुप जी का ऑर्डर क्या माना था, क्यू माना था। ठीक है, इस ग्रुप जी का ऑर्डर हमने क्यू माना था, तो हमें क्या मिल गया, क्यू इक्वल टू पी प्लस पी प्लस पी प्लस डॉट 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 पी इंटू के टाइम्स तक, ये मिला हमको के टाइम्स तक। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्यू और पी प्लस पी प्लस पी, ऐसे आप इसको कुछ इस तरह ले सकते हैं पी इंटू के, और इसको आप पी बाई क्यू बाई पी कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू पी इंटू के हो गया, और क्यू बाई पी इक्वल टू के। आप यहाँ से मैंने ये इसको प्रूव कर दिया, आपने देखा कि हम प्रूव की ओर बढ़ चुके हैं, या मेरा प्रूफ आ चुका है। ये किसका ऑर्डर था, हमने माना था ऑर्डर ऑफ जी का, इसमें ऑर्डर कितने थे, क्यू, क्यू थे ऑर्डर, ये जो कि ऑर्डर ऑफ जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑर्डर ऑफ एच को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यही हमको प्रूफ भी करना था, ये हमारी एक लैग्रैन्ज थ्योरम
का एक प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, P इज ए डिवीजर ऑफ Q, यही हमने बताना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आप देख लीजिए। स्टेटमेंट मेरा था, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, एंड इसका ऑर्डर हमने मान लिया, G कोई फाइनाइट है उसका ऑर्डर हमने मान लिया Q, ठीक है, और H जो है उसका ऑर्डर मान लिया, सब ग्रुप जो H है उसका ऑर्डर हमने मान लिया P, और उसके बाद हमने एक एलिमेंट G का ले लिया कोई भी A, और उसमें हमने लेफ्ट कोशेंट फाइंड किए, तो हमारा जो लेफ्ट कोशेंट फाइंड किए तो हमारे P डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे कोशेंट आएंगे या कोशेंट आएंगे या डिसजॉइंट कोशेंट आएंगे उसको मैंने एक सेट में लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। तो जी जो होगा वो सब ग्रुप के कोसेट का एक कलेक्शन होगा, जो कि हमने यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, और के टाइम तक यानी कि उनमें कोई भी समानता नहीं रहेगी या कोई भी जो कोसेट होगा वो उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए उसका इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहेगा। और फिर हमने ऑर्डर ऑफ जी निकाला तो उनको हमने कलेक्ट कर दिया या इनकी एड कर दिया, और उसके ऑर्डर को हमने पी मान लिया कि इस कोसेट के जितने भी ऑर्डर होंगे पी होंगे, और जो कि क्यू के बराबर है यानी कि ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है, और फिर हमने इनको जोड़ दिया जो कि के टाइम तक पी इन टू के लिख दिया, और फिर मैं पी ने डिवाइड में ले लिया और के को हमने यहाँ के लिखने के बाद के जो लिखने के बाद फिर हम के को यहाँ पे कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्डर ऑफ जी का जो डिवाइडेशन आएगा ऑर्डर ऑफ एच के, तो वो के यहाँ पर नंबर भी होगा, इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए के हमने कॉन्स्टेंट मान लिया। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिक से इस थ्योरम्स को देखा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अंडर ग्रेजुएशन या कई सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें लैग्रैन्जियन थ्योरम्स का प्रूफ के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, धन्यवाद।